रेवाड़ी में डिलीवरी देने गए जोमैटो कर्मचारी की हत्या के बाद साथियों में रोष, बोले जान पर संकट, अब 7 बजे के बाद नहीं करेंगे डिलीवरी। कंपनी से इंश्योरेंस सीमा बढ़ाने की रखी मांग, जान चली भी जाए तो परिवार के लिए कम से कम 1 करोड़ का मिले इंश्योरेंस। रेवाड़ी शहर के सचिवालय के पास इकट्ठा होकर जताया रोष। पहले सुनिए क्या कहते हैं कर्मचारी। मैं जोमैटो रेवाड़ी में काम करता हूँ, 2 दिन पहले हमारे साथी को गोली मारकर हत्या कर दी उसकी, ठीक है। अब हम अपनी कंपनी को बोलना चाहते हैं कि हम 7 बजे बाद काम नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी कंपनी है जो हमारे TL है वो हमारी बात मानने के लिए अभी राजी नहीं है, और जब तक वो हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक हम जोमैटो में काम नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो दुर्घटना हुई है वो 2 दिन पहले भाई के साथ हुई है, हमारा ही भाई था वो। अब कभी मतलब आज या कल में हमारे साथ भी हो सकती है, तो हमें भी पूरा खतरा है। हम नहीं चाहते कि ये ऐसा दोबारा हो, तो हम काम नहीं करेंगे जब तक हमारी कंपनी हमारी बात नहीं मान लेती तब तक। हमारे साथ एक व्यक्ति काम करता था, हमारा जो साथ में हमारे साथ काम करता था, महेंद्र नाम था। परसों अंसल टाउन सेक्टर 19 में उसके साथ कुछ वारदात हुई, किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी। वह और जोमैटो का ऑर्डर डिलीवर करने गया था उधर, ठीक है, और वो पलवल जिले से था, ठीक है। तो अभी हमारी ये मांगे है, जैसे हमारे पास रात को 7 बजे के बाद हमारे पास 15 से 20 किलोमीटर तक के ऑर्डर बच जाते हैं, तो उसको देते देते हमें 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। हमें कभी कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है तो कभी बुरा भी मिल जाता है। तो हमारी कंपनी से ये मांग है कि 7 बजे के बाद हम कंपनी में काम इसमें नहीं करना चाहते, ठीक है। और जो भी हमारे टीम लीडर हैं वो अभी इस चीज़ के लिए राजी नहीं हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, हम अपना जो टर्म एंड कंडीशन का इंश्योरेंस है वो हम अपना पे आउट से कटवाने को तक को तैयार है। हम उनसे चाहते हैं कि हमारा जो टर्म एंड कंडीशन है वो 1 करोड़ का हो, ताकि अगर हमें कल को कुछ भी होता है तो कम से कम हमारी फैमिली को सपोर्ट मिले उस चीज़ से। तो हमारे जो ये टीम लीडर खड़े हैं इधर दीपक सर, इनसे हमने बात की है, पर ये अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं, ना कोई हमारे से बात कर रहे हैं ढंग से, ठीक है। हमारे ये सारे बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक कंपनी हमारे सारी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी हम जोमैटो के अंदर काम नहीं करना चाहते। अब खबर विस्तार से। रविवार रात करीब 10 बजे शहर के एंसल टाउन में खाने की डिलीवरी देने गए जोमैटो कर्मचारी की अज्ञात बदमाशों ने लूट के इरादे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके चलते ही जोमैटो कर्मचारियों में रोष है। बता दें कि अकेले रेवाड़ी शहर में ही करीब 250 जोमैटो कर्मचारी कार्यरत हैं और रात 10 बजे तक 15 से 20 किलोमीटर तक डिलीवरी देने जाते हैं। ये कर्मचारी परिवार की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस बढ़ाने की मांग व शाम 7 बजे तक डिलीवरी की मांग को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं और जब तक मांगे नहीं माने जाने तक काम नहीं करने की बात कह रहे हैं। यदि आप चाहते हैं देश प्रदेश अपने शहर व गांव की तमाम निष्पक्ष खबरों को देखना, तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।